मेरा नाम एस पी मेहरा है और मेरे साथ मेरी यह धर्मपत्नी छिप के बैठी हैं सामने नहीं आ रही मैं ग्रेटर कैलाश में रहता हूँ और इस साधना केंद्र के साथ मेरा संपर्क तकरीबन 20 साल पुराना है सबसे पहले तकरीबन 20 साल पहले मुझे हार्ट में पेन हुआ कि किसी मंत्री से मिलने जाना था टेंशन हो गया पसीना आया तो एकदम लगा कि हार्ट की प्रॉब्लम है मैं एक बड़े डॉक्टर के पास गया बहुत बड़े नामी डॉक्टर के पास उसने एक पूरी मुट्ठी भर के गोलियाँ दी टेस्ट कहे टेस्ट करने के बाद उसने कहा फिर न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में आइए आपका और टेस्ट होगा टेस्ट के बाद उसने कहा कि आपकी बाईपास सर्जरी होगी फिर मैं दूसरे डॉक्टर के पे गया फिर एस्कॉट्स गया एस्कॉट्स के जो हेड थे वो हमारे रिश्तेदार से उन्होंने कहा सब चाय पिलाई सब कुछ किया लेकिन कहा नहीं आपकी बाईपास होगी फिर मैं एम्स गया जान पहचान थी डॉक्टर मंचंदा से मिला उन्होंने कहा ठीक है करा लीजिए लेकिन जब एडमिट होने गया तो उन्होंने कहा नहीं एक ट्राई करते हैं तो आपको साधना केंद्र में ले चलते हैं अपनी गाड़ी में बिठा के मुझे लाए पाँच दिन छः दिन किया उसके बाद मुझे रिलीफ हुआ और उसके बाद आज तक मेरा बाईपास सर्जरी नहीं हुआ तो यहाँ का अनुभव यह है कि यहाँ का एटमोसफियर यहाँ का बातचीत करने का ढंग चार चीज़ें यहाँ सीखी गई जो इन्होंने प्रोनाउंस नहीं की वो है आचार विचार व्यवहार और व्यायाम आहार यही चीज़ें यहाँ हुई इन्हीं चीज़ों का नियंत्रण हुआ सब्ज़ियाँ अच्छी लगी नहीं लगी वो नहीं लगेंगी क्योंकि हमारी जबान ख़राब है और ये ज़बान ही जो है पेट को और हृदय को हर खराबी करती है और इसके यहाँ का अनुभव ऐसा रहा जो मैं चाहता हूँ कि जो नहीं भी आए उनको जाके आप बताइए कम से कम एक आदमी को कहिए कि आप जाके तो देखिए आज किसी हॉस्पिटल में भी एक दिन का खर्चा बीस हज़ार रुपया है निकलते निकलते आठ दस लाख रुपया ले, ले लेते हैं और फिर आपको निकलने नहीं देते पैसे के साथ आपका कोई ना कोई अंग भी ले लेंगे हृदय दे के आओ गुर्दा दे के आओ कुछ दे के आओ गुटा दे आओ तो ये मेरा अनुभव है यहाँ पे धन्यवाद है